हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने फिर से एक नया हमारा जो है पर्सनल केयर का सामान, जिसे हम जो है जॉय नेकलेस कहते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि एक्चुअली जॉय नेकलेस है क्या। तो आइए देखते हैं कि इसका फर्स्ट स्लाइड जो दिख रहा है आपको, वो ये है कि ये जो है जॉय नेकलेस, वो आपके लिए हेल्दी जो है, हेल्दी हार्ट के लिए, हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। लेट योर हार्ट बाउंस विथ जॉय। इसको पहनने से क्या होता है कि आपको हैप्पी हैप्पी वाला वाइब्स आएगा। किसी को पैल्पिटेशन होता है, हार्ट बीट बहुत तेज़ धड़कती है, कभी कभी रोना आता है, तो वो ये जो पहन ले, इससे बहुत आराम मिलता है। और इसका थर्ड स्लाइड आप देख सकते हैं कि कार्डियो सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज में बहुत इसको आराम मिलता है। ये इसके इसको बचाता है इसके कॉजेज को। हाई ब्लड प्रेशर जिसको रहता है ज़्यादातर, ये जो काउजेज उसका डिजीज़ का काउजेज क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड विस्कोसिटी जो है, ब्लड का थक्का जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है खून, जिसकी वजह से ब्लॉकिंग आ जाता है और एबनॉर्मल हार्ट बीट को सबको ये कंट्रोल रखता है। ये जो है कहीं पर भी आपके आर्टरीज में ब्लड का थक्का जम जाता है और वो गाढ़ा गाढ़ा, वो फिर बाद में जाके वो थ्रम्बस का रूप ले लेता है, जिसे थ्रम्बस कहते हैं। तो उसकी वजह से आपकी आर्टरी, आपके वेंस में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, तो ये बीमारी होती है कार्डियो सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज़। तो ये देखिए कि इतना अच्छा ये गैजेट है। सिम्टम्स ऑफ कार्डियो सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज़ क्या क्या है? ये जो है इंक्रीज़ करता है ब्लड के विस्कोसिटी को, जब जहाँ ये बढ़ जाती है, जब खून का जो है गाढ़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे जो है टॉक्सिन आ जाते हैं, कहीं कहीं पर ऑब्स्टिकल स्टेप्स हो जाता है वेन में या आर्टरीज में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और इसमें इस्कीमिया वुड काउजेज ड्यू टू दिस रीजन सन, अ डिक्रीजिंग ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ वेसल्स वॉल एंड वीकनेस ऑफ वॉल। ये जो है उसका प्रॉब्लम इसकी वजह से बढ़ जाता है, उसके इलास्टिसिटी को, उसके लचीलापन को ये डिक्रीज कर देता है, वेसल्स के, उसके वाल को वीक कर देता है। तो इसको जो है आप देखिए कि कितना, मतलब ये है कि जहाँ भी आपके आर्टरीज में या तो ब्रेन में या तो हार्ट में कोई भी, इसमें आपका ब्लड जो है, अभी ठंडा का टाइम है, ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक जो है जाड़े ही में ज़्यादा होता है, और जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनको जो है ज़्यादा खतरा है इसमें ठंडे के टाइम में, क्योंकि ब्लड हमारा वो जो है वो थोड़ा जम जम जाता है, ब्लड का विस्कोसिटी जो है बढ़ जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियो सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीजेज, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आप देख सकते हैं कि जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर रहा, जिसको जो है इसको डायबिटीज़ होने का भी डर हो जाता है, और उनको जो है इस्कीमिया जो है उसको भी होने का डर रहता है। ज़्यादातर लोगों में प्रिविलेज रेट ऑफ डायलेपिडेमिया 44.1% और डायबिटीज़ जो है 91.1% होता है, 19.1% हो जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने सारे, मतलब कि कार्डियो सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज़ के बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो हमें अपना जो है दिनचर्या, हमारा डेली का रूटीन लाइफ जो है वो बहुत इससे प्रिकॉशन लेके रखना है, ताकि हम इन बीमारियों से बचें। हम फिज़िकल वर्क करें ताकि हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन वो जो प्रॉपर वे में हो, और हमारा ज़्यादातर कोशिश करें आदमी की फ़िज़िकल वर्क करें, ताकि कहीं पर खून का जमाव नहीं हो, थक्का नहीं जमे, और हमेशा अपने पूरे इसमें अपने ऑर्गन्स पर ध्यान देते रहना चाहिए हमें, कि कहीं पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। तो हमें हर, और हमें जो है ज़्यादातर जो है हेल्दी डाइट लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर इन द मेन जो रीज़न है, ये कार्डियो वेस्कुलर सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज़ का मेन कारण क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। हमेशा आदमी को बीपी भी चेक करते रहना चाहिए, ताकि हमें जो है इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। सेरेब्रल थ्रम्बोसिस हो जाता है, और सेरेब्रल जो है बीमोहरज हो जाता है, और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है, और ज़्यादातर जो है डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब एक बीपी आया, उससे बहुत सारी बीमारी आपको हो सकती है। बीपी बहुत मस्ट है कि आदमी मेंटेन रखे बीपी को। स्ट्रेस टेंशन से ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपका ये है डायबिटीज़ है, या तो ये है ज़्यादातर बीपी भी होता है स्ट्रेस और टेंशन से। तो हमें
हमें अपने आप को एकदम बैलेंस बना के रखना चाहिए ताकि हम भविष्य में इन सारी बीमारियों से बचे, है ना। ये जो है काजेज, ये मेन काजेज है हाई ब्लड प्रेशर, ये बहुत ख़तरनाक है, किसी को भी ये हो सकता है। तो क्यों ना हम अपने आप को हेल्दी, फिट एंड फाइन रखें। तो कैसे रखें, तो देखिए कि रिसर्सेबल डाइट, जैसे कि रिलेटिवली सेफ हो जाता है, जिससे आदमी रिलेटिवली द मोस्ट सूटेबल मेथड ऑफ लोअरिंग ब्लड प्रेशर फॉर यू, अपने ब्लड प्रेशर को जो है लो करने के लिए क्या है आपके लिए, स्लो इफेक्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टिक टू ईट। आप रिसोर्सेबल डाइट की वजह से ये जो डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसके बाद हम ड्रग थेरेपी देखते हैं कि ड्रग लेने से क्या हो जाता है, हमें जितना भी केमिकल्स वाला ड्रग्स है, हमारी सारी दवाएं हैं वो, चूज़ राइट मेडिसिन बाई टेकिंग इन पर्सन, है ना। हर पर्सन को एक राइट जो है मेडिसिन चुनना चाहिए, डेवलप जो है करता है रेसिस्टेंस ऑफ डैमेज लीवर एंड किडनी, इवन डैमेज सेक्सुअल फंक्शन फॉर ए लॉन्ग टर्म डोसेज। ज़्यादातर जो है लॉन्ग टर्म डोसेज, कुछ इसका डोसेज आदमी लेता है तो उससे डोज से क्या हो जाता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी लीवर सब डैमेज भी हो सकता है, इसलिए केमिकल्स है। और उसके थर्ड वाला आप ऑप्शन देख सकते हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी थेरेपी। ये क्या है कि नो मेडिसिन, इसमें दवा नहीं, नो इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं, है ना। और इसमें वियर द नेकलेस टू प्रोटेक्ट हार्ट, बस एकदम सिंपल वे में आप इस वे इसको जो है नेकलेस को पहनिए, हार्ट के लिए आपके बहुत अच्छा है। लो प्राइस हाई इफेक्ट, इसका प्राइस लो है और इफेक्ट इसका इतना हाई है। सेफ एंड नो साइड इफेक्ट्स, एकदम सेफ है, इसलिए कि बायो इलेक्ट्रिसिटी आपका बॉडी में भी रहता है, सब लोग जानते हैं हमारे बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है जो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, जिस इम्बैलेंसी की वजह से हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो ये क्या करता है कि आपके बॉडी के बायो इलेक्ट्रिसिटी को ये ठीक करता है, मेंटेन करता है। अब आते हैं कि बायो इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कुछ तो गॉड के तरफ से है, है ना, हमारे बॉडी में, जैसे कि मैंने कहा उसको आप रोक नहीं सकते हो, है ना। जैसे कि मसल्स का जो है कंट्रैक्शन जो है आप नहीं रोक सकते हैं, मसल्स कहीं पर बढ़ता है, कहीं पर घटता है, कहीं पर से कम हो जाता है मसल्स, उसको आप रोक नहीं सकते, तो ऑटो वे में होता है, है ना। ब्रेन एक्टिविटी, आप दिमाग की एक्टिविटी को रोक नहीं सकते, है ना। ओपन आइज एंड क्लोज आइज, आँखों को खोलना, आँखों को बंद करना, ये गॉड की तरफ से, दिन भर में कितनी बार सभी लोग आँख झपकता है, पलक झपकता है, ये नेचुरल वे में होता रहता है। हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट को भी रोक नहीं सकते, ये अपने आप होता है, आपका ब्लड पंप होता है, हार्ट बीट होता रहता है। द लाइफ फिनोमिनन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रियलाइज बाई द मोमेंट ऑफ दोज इलेक्ट्रिक चार्जेज, तो हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिक चार्जेज रहते हैं जिसकी वजह से ये सारा मोमेंट होता रहता है। द करस्पॉन्डिंग पैथोलॉजिकल चेंजेस वुड ऑकर इन द ह्यूमन बॉडी इन बायो इलेक्ट्रिसिटी इज एबनॉर्मल, अगर बायो इलेक्ट्रिसिटी एबनॉर्मल हो तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है, बहुत सारा मतलब कि इम्बैलेंसी दिखता है बॉडी को, जिसको बीमारी का नाम दिया गया है। हमारे ऑर्गन को डिसबैलेंस जो हो जाता है तो उसी को बीमारी का नाम दिया जाता है। जैसे ही ऑर्गन हमारा ऑटो मोड में ठीक होने लगता है, वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो मेन जो इसका कारण है कि हम जो है बायो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा थेरेपी है, हम उसका जो है यूज़ करें, और हमारे ही बॉडी में जो पूरी तरह से बायो इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह है, फ्लुएंस है इसका। और जैसे कि किसी को भी करंट लगता है, करंट क्यों लगता है, हमारे बॉडी में भी है ना, प्लस माइनस पॉइंट होते हैं ना, जिसको जो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सभी लोगों ने पढ़ा है बुक में, तो उसको जो है प्रॉपर वे में हम लोग बैलेंस करते हैं। तो कितना अच्छा ये चीज़ है कि आप देख सकते हैं इसमें कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं ऑटो मोड में होती रहती है, गिवन बाई नेचर, है ना, गिवन बाई गॉड, इसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन कहीं कहीं पर इम्बैलेंसी की वजह से इन्हीं ऑर्गन में प्रॉब्लम होने लगती है। अब टेंस जॉय नेकलेस क्या है, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी, इसका एडवांटेजेस आप ले सकते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी का। टेंस जॉय नेकलेस कुड इम्प्रूव माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड प्रोटेक्ट कार्डियो सेरेब्रो वेस्कुलर एंड ब्लड प्रेशर, ये दोनों को, ब्लड प्रेशर को और कार्डियो सेरेब्रो वेस्कुलर डिजीज को रोक सकता है। प्रिंसिपल रिसीव्ड एंड ट्रांसफॉर्म द इम्बैलेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू स्टेबल बायो इलेक्ट्रिसिटी एंड देन कंडक्ट द बायो इलेक्ट्रिसिटी टू द ह्यूमन बॉडी,
इस तरह से ह्यूमन बॉडी के कंडक्ट करता है आप बायोलॉजिसिटी, जहाँ जहाँ पर इम्बैलेंस उसको ठीक करता है। इसका काम है जॉय नेकलेस का, इसमें ऐसा ऐसा लगा हुआ है बायोलॉजिसिटी का ये कि ये इसके सर्किट को बनाता है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पिक्चर में, ए जो है वो प्लास्टिक केसिंग है, ए जो दिखा हुआ जहाँ पर वो प्लास्टिक केसिंग है इसका बाहर का, बी जो है वो टेस्टिंग पोल है, जहाँ पर बी लिखा हुआ वो उसका टेस्टिंग पोल है, और सी और डी जो है एडजस्टिंग पोल, सी और डी आप देख सकते हैं एरो बना हुआ है बीच में, वो उसका एडजस्टिंग पोल है, ई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसका, और एफ जो है बैटरी का जगह एफ है, और जी जो पायलट लाइट है, और एच जो पेंडेंट बकल है, एच पेंडेंट बकल है, और आई जो है इसका स्ट्रिंग है। एक बकल में जो है जहाँ से बंद होता है वो एच हो गया, और इसका स्ट्रिंग जो है वो आई हो गया, उसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है। बैटरी जो है इसमें है, और इसको 4 घंटा दिन में लगाना है, और यहाँ पर हार्ट के पास यहाँ पर बीचे बीच यहाँ पर लंबा करके इतना तक यहाँ आ जाता है, उतना तक रखना है, और 4 घंटा के बाद उसको निकाल देना है, हो सके तो बैटरी भी रिमूव करके रख देना है। तो इतना अच्छा मतलब हो जाता है कि इतनी सारी बीमारियों से आपको ये बचाएगा, देखने में भी खूबसूरत है, एमरल्ड है इसमें, है ना, और इसमें जो है बैटरी आप जो है निकाल के रख सकते हैं अलग करके, अब फिर इसको कर सकते हैं, इसको अच्छे से रखना है, अच्छे प्रिकॉशन से, वो भी मैं आगे बताऊंगी उसके बारे में। देखते हैं कि ये हमारे बॉडी के चैनल पर मेरिडियन चैनल होते हैं, पूरे बॉडी के इस पर मेरिडियन चैनल्स होते हैं, और हमारे हाथों को पैरों पर, हाथ के हथेली पर, पैर के तलवे पर रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि द नेकलेस जस्ट कवर द जी गोंग एक्यूपॉइंट एंड यू टंग एक्यूपॉइंट विथ सुटेबल स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग का लेंथ इतना बड़ा होता है कि हमारे गर्दन से नीचे 1, 2, 3, 4, 5 है ना, छठे में वो पॉइंट आता है जिसको जीगोंग कहते हैं, और यू टैंग वहाँ पर लटकता रहता है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। जीजोंग अकूपॉइंट जो है वो क्या करता है, कफ के लिए बहुत अच्छा है, आस्थमा मतलब जिसको हपनी है, जिसको दम्मा है उनके लिए बहुत अच्छा है, चेस्ट डिस्ट्रेस, चेस्ट भारीपन हो जाता है, और चेस्ट पेन, चेस्ट में किसी तरह का पेन हो। यूटंग जो अकूपॉइंट है वो ट्रीट कफ, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस रुक रुक की हो रही है, लंबी लंबी सांस हो रही है, रुक रुक की हो रही है, और चेस्ट पेन, चेस्ट पेन के लिए बहुत आरामदेह है। तो ये दोनों पॉइंट के पास ये चिपका रहेगा आपकी बॉडी से टच करके, तो बहुत अच्छा। जस्ट वियर द नेकलेस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बस नेकलेस को आसानी से पहनिए, इजी टू वियर है, और इक्विजिंग इन शेप एंड फैशन इन एमराल्ड, ये जो एमराल्ड का बना हुआ है, कॉम्पैक्ट एंड एग्जॉस्टिक है, और गोल्डन हाई एंड किट्स एलिगेंट लो प्रोफाइल एंड ऑनरेबल, है ना, हाई है, किसी को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, इतना अच्छा खूबसूरत ये पत्थर एमराल्ड है, और आपको इजी है पहनने में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि आप किसी को भी गिफ्ट भी दे सकते हैं, इतनी अच्छी चीज़ की उनके हेल्थ के, उनके हार्ट के लिए, उनके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपको रेडिएशन से भी बचाएगा, रेडिएशन भी, रेडिएशन फ्री भी इसमें है, और एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, हार्ट बीट आपका हमेशा ठीक रखेगा, ब्रेन का कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। फंक्शंस, इम्बैलेंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड प्रमोट माइक्रो सर्कुलेशन, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इम्बैलेंस को ठीक करता है, और माइक्रो सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को और हार्ट को, सबको प्रोटेक्ट करता है। अटेंशन, इसको रखने का है, इसका जो बैटरी है CB2032 का नंबर का बैटरी आपको उसको लेना है और इसको लगाना है, और भीगा पानी के एरिया में इसको नहीं रखना है, पानी इस पर पड़े नहीं, नहाने से पहले इसको उतार देना है, सोने के दिन भर में 4 घंटा आप उसको लगाइए, और इसको भीगी जगह पर नहीं रखना है, और इसको जो है गर्म जगह पर नहीं रखना है, कहीं पर ये टूटे नहीं, गिरे नहीं, इस पर कोई तरह का स्क्रैच नहीं लगे, उससे ये डैमेज होने का डर हो सकता है। अब बार बार इसको खोल बंद नहीं करना है, इसमें बहुत सारा प्रिकॉशन है, ये जो है प्रिकॉशन ही का है। और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं प्रेग्नेंट लेडी हैं और चिल्ड्रेन हैं हु वियर आर्टिफिशियल हैंड वियर, जो आर्टिफिशियल पहने हुए हैं, या तो जिनको किसी तरह का लगा हुआ पेस मेकर लगा हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो इससे अवॉइड करें, वो इसे नहीं पहने, और हमें अगर पहने भी तो किसी फिजिशियन से, गार्डियन से पूछ के आप पहन सकते हैं, है ना। आप बार बार इसके स्ट्रिंग को जो है खींचे नहीं,
स्ट्रिंग को खींचने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो नहीं काम करेगा। कभी कभी ये डिम हो जाता है, बैटरी इसकी डिम हो जाती है लगता है कि, जबकि बैटरी सही रहती है। तो इसका भी बहुत सारा कॉजेज है। देखिए कॉमन फॉल्ट इसमें क्या होता है, द पायलट लाइट डज नॉट वर्क एट द लाइट इन द गेटिंग डिमर। उसका लाइट डिम हो जाता है तो उसका मतलब कि रन आउट ऑफ द बैटरी और लो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें लो इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी उसका ही हो जाए। आप उसके क्या करें, सॉल्यूशन क्या है, चेंज बैटरी। फिर है द पायलट लाइट इज ऑन ऑल द टाइम, हर वक्त ऑन रहता है पायलट का जो लाइट है। तब क्या करेंगे कि इसमें हो सकता हो कि वाटर डैमेज हो, पानी चला गया हो और फिर डैम्प आ गया हो उसमें, या तो इसका इंटरफेयर्ड बाई स्ट्रांग पावर। तो क्या करते हैं, इसको बैटरी को रिमूव कर दीजिए और धूप की रोशनी, धूप में इसको दिखाइए। अब देखिए कि जो है टिन्स जॉय नेकलेस क्या क्या करता है, कंट्रोल एच हाई बीपी, लो बीपी, प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, ओपन हार्ट ब्लॉकेज, थ्रम्बोसिस, प्रोटेक्ट आर्ट्रियल ब्लॉकेज, इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम सेरेब्रल ब्लॉकेज एंड स्ट्रोक, किसी तरह के स्ट्रोक से बचाता है, ब्लड वेस्कोसिटी, खून के जो है गाढ़ापन को कम करता है, कार्डियो सेरेब्रो वेस्कुलर फंक्शन को जो इम्प्रूव करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मसल्स कंट्रैक्शन, मसल्स के कंट्रैक्शन को ठीक करता है, बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंसिंग, आपकी पूरी बॉडी के बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन, आपको जैसा मैंने पहले बताया रेडिएशन से ये ठीक करता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एनर्जी बैलेंस है ना, दोनों को बैलेंस करता है। हर वक्त आपको निगेटिव फील करते हैं, रुलाई आती है, वो ऐसा नहीं करता, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है, प्रोटेक्ट हार्ट ब्रेन एंड किडनी डिसफंक्शन से, हार्ट ब्रेन और किडनी के डिसफंक्शन को प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं इसका प्राइस, इसका प्राइस जो है वो MRP है 13,860 है, लेकिन यहाँ पर इसका PV मतलब पॉइंट वैल्यू 168 है और BV बिजनेस वैल्यू 100 है। लेकिन आप जो भी बता रहे हैं आपको, अगर आपको मुझसे भी लेना है तो आपको DP प्राइस में 11,088 में भी मिल सकता है। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू द कॉमेंट्स, है ना, तो उससे जो है मैं आपको दे सकती हूँ DP प्राइस में, क्योंकि हमें जो 20% डिस्काउंट में मिलता है, या तो आप जो भी आपको जो बता रहा है, रिकमेंड कर रहा है, तो आप उससे मिल सकते हो। अगर वो इस फील्ड में है तो वो जो है उनके इस पर है वो कितने में देते हैं, तो बहुत अच्छा है, किसी को हम गिफ्ट भी दे सकते हैं, इतनी अच्छी गिफ्ट कि लोग खुश हो जाएं कि अरे वाह, ये तो मेरे हार्ट और ब्रेन का इतना ख्याल रख रहे हैं, इन्होंने मुझे इतनी अच्छी चीज़ रिकमेंड की है। तो जब इतनी अच्छी चीज़ है तो हम क्यों नहीं लोगों को बोलें। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो है मेरा ये सेशन सुना, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए हेल्दी वेल्दी वीडियो लाती रहूँगी, और बहुत खुशी होती है जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मेरा व्यूज़ आता है, मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। मैं बहुत मेहनत से मैं स्लाइड जो है PPT बनाती हूँ, फिर उसमें जो है ऑडियो भी टेक्स्ट करती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों ने सुना, इसी तरह से बने रहिए, थैंक यू।